सरकार माहौल जबरदस्त शानदार, आई होप सर ये जो टैग है अपना टेग लाइन दस का क्रेडिट क्यों मिला ये देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि का कौन सा, कौन सा का होने वाला है? सरकार आइए माहौल के साथ पढ़ते मस्त होके पढ़ते मस्त हैं सर शानदार तरीके से इफेक्टिव रिवीजन करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर नंबर फाइव सबसे पहली बात सेक्शन सिक्सटीन सब सेक्शन कौन ले सकता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन कैन टेक द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ सेक्शन टू बोलता है हाँ भाई, हाँ, मिलेगा, पर यह सारी छह की छह कंडीशन क्यूमलेटिवली पूरी होगी तो क्रेडिट मिलेगा वरना credit, नहीं मिलेगा फर्स्ट यू शुड बी द रेसिपेंट जो क्रेडिट ले रहा है शुड बी इन दी पोजिशन ऑफ देंगे मतलब टैक्स इन वो डेबिट नोट या एनी अदर प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट उसके पास होना चाहिए रूल नंबर थर्टी सिक्स फोर ने प्रिस्क्राइब किया कि कौन कौन से रूल नंबर थर्टी सिक्स ने प्रिस्क्राइब किया कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए जिनके पास पे आप क्रेडिट ले सकते हो सर टैक्स इनवॉइस जो सप्लायर ने इशू किया सेकंड अगर रिवर्स चार्ज में, खुद लाइबल है सप्लायर अगर, अगर अनरजिस्टर्ड है तो खुद ने खुद पे इनवॉइस इशू किया होगा उसके पे आप क्रेडिट ले सकते हो देन डेबिट नोट इशूड द सप्लायर बिल ऑफ एंट्री या एनी अदर सिमिलर डॉक्यूमेंट अगर कस्टम से आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो और कस्टम पे किया है तो कॉपी ऑफ बिल ऑफ एंट्री के बेस पर आपको क्रेडिट मिल जाएगा

देखो उसके बेस पर रिसिपिएंट को क्रेडिट मिल जाएगा क्लियर दीस आर द डॉक्यूमेंटरी एविडेंस जिनके बेस पे क्रेडिट मिलता है एंड सर यह बोला है क्या इन डॉक्यूमेंट में टैक्स इनवॉइस पर वो सारी इंफॉर्मेशन जो रूल नंबर 46 ने बताई वो सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए पर अगर सारी इंफॉर्मेशन नहीं है पर एटलीस्ट

सप्लायर अपना जीएसटर वन या इनवोस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके इनवोसेस या डेबिट नोट्स फर्निश कर दिए होने चाहिए और वो क्रेडिट हमारे जीएसटर टू बी अंदर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए अगर जीएसटर टू बी में क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो रही तो ही हमको आईटीसी मिलेगा वरना आईटीसी नहीं मिलेगा क्लियर ये सेक्शन सब सेक्शन टू डबल कंडीशन रेड विद रूल थर्टी सिक्स फोर की सप्लायर अपना जीएसटर वन या इन फैसिलिटी यूज करके फर्निश कर दिए होने चाहिए और वो क्रेडिट हमारे दी में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए तो ही क्रेडिट मिलेगा वरना क्रेडिट नहीं मिलेगा पहले प्रोविजनल क्रेडिट का कोई फंडा हुआ करता था अब वो सिस्टम बिल्कुल ही

नहीं आ रहा तो भी चल जाएगा एंड अगर आपने कोई भी इंपोर्ट ऑफ गुड्स किया है तो भले क्रेडिट टू बी में नहीं आ रहा है आप क्रेडिट लीजिए कोई तकलीफ वाली बात नहीं है देन सर Close, में बोलता है क्या जो गुड्स और सर्विस और बोथ जिसका आप क्रेडिट ले रहे हो दो रिसीव्ड रिसीव्ड गुड्स और और सर्विस मस्ट बी सर अगर आपको रिसीव नहीं हुआ तो क्रेडिट नहीं ले पाएंगे सर जैसे जनवरी महीने का सप्लाई था बिल तो आगे पर गुड्स फरवरी में रिसीव हुए तो फरवरी में आपको क्रेडिट मिलेगा जनवरी में गुड्स और सर्विस और बोथ मस्ट बी रिसीव्ड हाँ बिल टू शिप टू मॉडल अगर है सर अब मैं कस्टमर हूँ आप सप्लायर हो और मैंने आपको बोल दिया सर मेरे आप ये थर्ड पर्सन को गुड्स डिलीवर कर दो तो आपने अगर थर्ड पर्सन को गुड्स डिलीवर कर दिए या सर्विसेज उसको दे दी मेरे पर तो ये मान लेंगे कि जिस दिन उसको थर्ड पर्सन को गुड्स और बहुत रिसीव हुआ है उस दिन वो मेरे को रिसीव हो गया और मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा अच्छा बेटा दीज आर द रिविजन लेक्चर्स ये फुल कोर्स बैच नहीं है रिविजन अगर फास्ट नहीं होगा तो एग्जाम टाइम पर आप कवर नहीं कर पाएंगे सारे टॉपिक को इसलिए पूरा कॉन्सेंट्रेशन याद रखना एंड सर आप चाहे तो ये रिबूट बुक है अपनी समरी बुक सर आपके पास अगर ये बुक है तो बहुत अच्छी बात है नहीं है तो आप इस बुक को अलग से ले भी सकते हो अपनी वेबसाइट से बेटा क्लियर यू कैन बाय दिस क्लियर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे रखा है पर पॉइंट क्या है आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहां पे होना चाहिए माहौल के साथ क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन जितना होगा उतना ही इफेक्टिव रिविजन होगा विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट देखो फास्ट रिविजन होना वेरी इंपॉर्टेंट साथ साथ इफेक्टिव रिविजन इज मस्ट ओके दोनों हो जाएगा अगर आपका ध्यान रहा तो एंड जितने कनेक्शन बैठ जाएगा दिल के अंदर दिमाग के अंदर सरकार आइए बिल टू शिफ्टी मॉडल अगर है थर्ड पर्सन को गुड्स या सर्विस रिसीव हो गया हम मान लेंगे हमको रिसीव हो गया हमको, हमको क्रेडिट मिल जाएगा सब देन सर यहां क्लोज नाम बो ना अलग से हुआ, उसमें बोला क्या सर आपके रेसिपेंट के जीएसटा टू बी में क्रेडिट आ तो रहा है पर क्रेडिट अगर आपके रेस्ट्रिक्टेड टेबल में आ रहा है या सर इन एलिजिबल आईटीसी के टेबल में अगर वो क्रेडिट आ रहा है तो आप क्रेडिट नहीं ले पाएंगे अब आप कहेंगे सर जीएसआर टू बी के अंदर वो इन एलिजिबल आईटीसी या रेस्ट्रिक्टेड आईटीसी कॉलम में कौन सी क्रेडिट आएगी फॉर एग्जांपल सर सप्लायर ने जीएसआर वन या इन फर्निशिंग जो इनवर्स फर्निश किए या जीएसटर वन जो फाइल किया है वो सर फाइनेंशियल खत्म होने के बाद नवंबर फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न के बाद उसने फाइल किया अब हमारे टूबी में आ भी गया तो हम क्रेडिट नहीं ले पाएंगे सेकंड सर सप्लायर का लोकेशन महाराष्ट्र प्लेस ऑफ सप्लाई भी महाराष्ट्र और रेसिपेंट का है गुजरात का तो ऐसे केस में रेसिपेंट को महाराष्ट्र का कोई क्रेडिट नहीं मिल पाता इसलिए उस केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी कोई क्रेडिट नहीं मिल पाएगा वो भी इन एलिजिबल क्रेडिट के कॉलम में आएगा रेस्ट्रिक्टेड क्रेडिट के कॉलम में आएगा इसलिए सर अगर रेस्ट्रिक्टेड कॉलम में कोई क्रेडिट क्रेडिट आ रही तो नहीं ले सकते आप देन जीएसटी मस्ट बे टू दी गवर्नमेंट सर ध्यान बटा अगर रेसिपेंट खुद लाइबल है टैक्स पे करने के लिए अंडर रिवर्स चार्ज मैकेज में तो वो खुद टैक्स पे करे और क्रेडिट लेकर कोई तकलीफ नहीं है पर अगर सप्लायर लाइबल है फॉरवर्ड चार्ज मैकेज में तो गवर्नमेंट को टैक्स पे हो जाना चाहिए अब साहब हमको पता कैसे पड़ेगा गवर्नमेंट को टैक्स पे हुआ कि नहीं हुआ तो सर सप्लायर ने अपना जीएसटर वन फाइल किया होगा हमारे जीएसटर टू बी के अंदर क्रेडिड आई होगी हम तो क्रेड ले लेंगे सर क्लियर अब फाइल करना मीन उसने टैक्स पे कर दिया इसलिए सर सेक्शन फोर्टी वन यहां रेफर किया और सेक्शन फोर्टी वन ने बोला क्या एक काम करो आप विश्वास रखो सर विश्वास रख के एक बार क्रेडिट सेल्फ बेस पे क्रेडिट ले लो और वो क्रेडिट जो आपने ली वो फाइनल क्रेडिट ही मानी जाएगी उसको प्रोविजनल क्रेडिट नहीं मानेंगे पर अगर बाद में सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया होगा उस सप्लाय का तो ऐसे केस में बाद में वो आपको क्रेडिट रिवर्स करनी पड़ेगी उतना अमाउंट गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा अलोंग विद इंटरेस्ट वो कितना पे करना होगा उसके लिए रूल नंबर थर्टी सेवन ए नया एड किया गवर्नमेंट ने और रूल नंबर थर्टी सेवन ए ने बोल दिया क्या अगर सप्लायर अपना जीएसटर वन फाइल किया इनवेस्ट फर्निशिंग फैसिलिटी फाइल करी और के जीएसटर टू बी के अंदर क्रेडिट आ गया उसने क्रेडिट ले लिया बाकी सारी कंडीशन पूरी थी उसने क्रेडिट ले लिया साहब कोई तकलीफ नहीं वो लेगा सर और जो क्रेडिट उसने सेल्फ असेसमेंट बेस पे लिया वो फाइनल क्रेडिट भी था पर अगर सप्लायर ने वो जो जीएसटर वन या इनवर्स फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके आपकी इधर क्रेडिट ट्रांसफर करी थी वो सप्लाई के लिए उसने थ्री बी फाइल ही नहीं किया तो सर ऐसे केस में गवर्नमेंट को टैक्स तो मिला नहीं सब क्लियर तो यहां पर रूल नंबर थर्टी सेवन ए करके बोल दिया गवर्नमेंट ने कि हम इंतजार करेंगे पर कब तक बोल दिया क्या सर वो फाइनेंशियल ईयर जिससे रिलेटेड वो इन, वो इनवॉइस था वो फाइनेंशियल ईयर जिसमें वो फाइनेंशियर सबमिट किया था उस सप्लायर ने वो फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड फाइनेंशियल खत्म होने के बाद थर्टीथ सेप्टेंबर तक गवर्नमेंट इंतजार करेगी कि सप्लायर जीएसआर थ्री बी

30 सितंबर तक तो फाइनेंशियल के बाद 30 सितंबर तक अगर उसने थ्री बी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है पर थ्री बी फाइल करके उसने टैक्स पे नहीं किया सप्लायर ने थर्टीथ सितंबर तक तो जो नवंबर आ रहा है थर्टीथ नवंबर उससे पहले पहले सर उस रेसिपेंट को क्या करना पड़ेगा भाई वो क्रेडिट रिवर्स करनी पड़ेगी और सर उस क्रेडिट को अगर उसने यूज किया होगा तो उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा क्लियर डन पर इंटरेस्ट की बात जो आएगी वो थर्टी नवंबर के बाद आएगी अच्छा तीस नवंबर के बाद अगर आपने क्रेडिट को यूज क्रेडिट को रिवर्स नहीं किया तो सर ऐसे केस में सर फर्स्ट दिसंबर से तो इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा आपको अगर आपने क्रेडिट को यूज किया तो बेटा क्लियर डन भारत में दिख जाए और हाँ एक बात और अगर फ्यूचर में

क्लियर और रेसिपेंट को क्रेडिट कब मिलता है बेटा जब लास्ट लोट आएगा तब क्रेडिट मिलेगा कोई क्रेडिट पहले नहीं मिल सकता उसको क्लियर सिक्सटीन सेक्शन टू ने गुड सर्विस रिसीव किया सारी कंडीशन पूरी छह की छह कंडीशन पूरी और रेसिपेंट ने क्रेडिट ले लिया बट इफ द रेसिपेंट फेल्ड टू मेक पेमेंट दू दप्लायर विदिन वन एटी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफ इनवॉइस मतलब रेसिपेंट ने सप्लायर का पैसा खा लिया तो गवर्नमेंट बोल दिया भाई क्रेडिट भी रिवर्स कर तो सर ऐसे कैसे बोला है क्या इफ द रेसिपेंट फेल्स टू मेक पेमेंट टू द सप्लायर विद इन वन एटी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस तो जितना अमाउंट मतलब वैल्यू सप्लायर प्लस टैक्स अमाउंट जो था जो बिल में अमाउंट था उसमें से जितना प्रोपोर्शनेट अमाउंट उसने पे नहीं किया सप्लायर को क्लियर उतना प्रोपोर्शनेट आईटीसी Recipient को रिवर्स करना पड़ेगा या आउटपुट टैक्स लाइब्रेड में एड करके पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को अलॉंग विद द इंटरेस्ट क्लियर अच्छा ध्यान देना जहां पर आई या रिवर्स पेमेंट पर इंटरेस्ट की बात आएगी वो इंटरेस्ट पर तभी आएगी जब आपने आई यूज किया तभी आएगी वरना बात इंटरेस्ट की नहीं आएगी ओके आई रिपीट सर इफ द रेपेंट फेल टू मेक पेमेंट टू दप्लाई विद इन वन डेज फ्रॉम द डेट ऑफ विश ऑफ इन तो ऐसे केस में सर जिस महीने में 180 दिन एक्सपायर होंगे उस महीने की फाइल करते वक्त सर ये आईटीसी वो रिवर्स करेगा रेसिपेंट और आईटीसी बैलेंस नहीं तो गवर्नमेंट को पे करेगा और अगर आईटीसी आई टीसी तो अलोंग विद इंटरेस्ट पे करेगा अच्छा कितना रिवर्स करेगा मान लो पूरा ही पेमेंट नहीं किया तो पूरा ही क्रेडिट रिवर्स करेगा कुछ अमाउंट पे या कुछ नहीं किया तो जितना पेमेंट नहीं किया उतना प्रपोशन रिवर्सल करना पड़ेगा क्लियर डन और हाँ अगर रेसिपेंट सप्लायर को बाद में पेमेंट कर देता है तो जितना पेमेंट उसने किया है उतना आईटीसी ही कैन टीसीवेल और रीअवेलमेंट के लिए सेक्शन सेक्शन सब का टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होता है क्लियर डन भारत माता की जय समझे मेरी बात अच्छा सर मान लो मैं आप सप्लायर हो आपने मुझे बोला कि इस थर्ड पर्सन को मेरे बी पे पे कर देना मैंने उस थर्ड पर्सन को पे कर दिया तो सर वो भी ये माना जाएगा ना आपको भी पे किया बेटा क्लियर तो सर जो मैंने पेमेंट आपके पे किसी थर्ड पर्सन को किया है वो वैल्यू का पार्ट बनता है वो मैंने किसी और को पे किया है ये मानेंगे आपको भी पे किया बेटा क्लियर डन सरकार तो उतना प्रपोर्शन रिवर्सल करने की जरूरत नहीं है अच्छा इस प्रोविजन का एक एक्सेप्शन है जहां पे भी, भी रिवर्स चार्ज में माइक्रोसिपिन खुद लाइबल है तो रेसिपिन खुद गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा और क्रेडिट लेगा उसमें सप्लायर का पैसा खा जाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ये सेक्शन सेक्शन सब सेकंड नंबर खत्म होता है अब सर, अब सर क्या सर सेक्शन सेक्शन सब बोलता है क्या अगर किसी कैपिटल गुड्स को परचेज किया प्लांट और मशीनरी को परचेस किया उसके परचेज पे आपने जीएसटी पे किया उस जीएसटी वाले पोर्शन का अगर आपने डेप्रिशिएशन क्लेम कर लिया तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा आप चाहे तो जीएसटी वाले पोर्शन का क्रेडिट लीजिए और वैल्यू का डेप्रेशन लीजिए आप चाहे तो पूरी वैल्यू प्लस जीएसटी का डेप्रेशन ले लो फिर आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा अब सेक्शन सेक्शन सब बोलता है क्या व्हाट इज द द टाइम लिमिट टू अवेल अवेल क्रेडिट क्रेडिट देखो एक बार अवेल कर ली फिर यूज मिलेगा तो तुम्हारी मर्जी तब करो दस साल बाद करो पचास साल बाद करो वी डोंट केयर पर अवेलमेंट के लिए टाइम लिमिट दे रखा है सेक्शन सिक्सटीन सब सेक्शन फोर बोलता है जिस फाइनेंशियल ईयर में वो टैक्स इन्वेस्ट इश्यू हुआ था या जिस फाइनेंशियल ईयर में वो डेबिट नोट इश्यू हुआ था वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद थर्टी नवंबर या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनअल रिटन विच अवर इज अर्लियर उससे पहले पहले आप क्रेडिट अवेल कर लेना अगर क्रेडिट नहीं ली तो बाद में कुछ ना हो पाएगा क्रेडिट बाद में अवेल ही नहीं कर पाओगे क्रेडिट ले ही नहीं पाओगे क्लियर वंस क्रेडिट इज अवेल्ड इट कैन बी यूज सर आफ्टरवर्ड्स एनी टाइम कोई तकलीफ वाली बात नहीं यूज करने के लिए कोई लिमिट नहीं दे रखा है बेटा अवेल करने के लिए लिमिट दे रखा है क्लियर अच्छा क्रेडिट एक बार आप लेते हो बाद में रिवर्स करते हो बाद में रीअवेल करते हो

सर ये फॉलोइंग में से कोई भी कॉन्ट्रावेशन हो रखा है तो ऐसे केस में उतना अमाउंट का क्रेडिट वो आपका ब्लॉक कर देगा और ऑफिसर बोल देगा क्या इतने अमाउंट का आप यूज नहीं कर सकते इतने अमाउंट का आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट ले सकते रिफंड नहीं ले सकते पर ये कंडीशन ये रजिस्ट्रिक्शन एक साल तक लगेगी और आपने बीच में अगर सेटिस्फाई कर दिया कि वो कंडीशन पूरी है, आपने जस्टिफाई कर दिया कि नहीं नहीं ऐसा कोई गड़बड़ नहीं तो ऐसे केस में

जब आप उस पर्टिकुलर मंथ की लाइब्रेटी पे करोगे जिस महीने में आपका एक्सीडिंग पचास लाख का टैक्स वैल्यू का सप्लाई था तो ऐसे केस में उस महीने की लाइब्रेटी पे करते वक्त सर आपकी लाइब्रेटी का मैक्सिमम 99% ही लाइब्रेटी पे कर सकते हो तो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर मतलब एटलीस्ट 1% आपको टैक्स पे करना वन परसेंट ऑफ योर ग्रोथ टैक्स लाइब्रेटी आपको पे करना पड़ेगा थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्लियर हंड्रेड परसेंट आप क्रेडिट यूज करके पेमेंट नहीं कर सकते हैं ये उन लोगों के लिए जिनका किसी पर्टिकुलर मंथ में टैक्स वैल्यू का सप्लाई एक्सपेक्ट पचास लाख हुआ है पर ये कंडीशन ये रेस्टेशन फॉलोइंग लोगों पर अप्लाई नहीं होती है फर्स्ट सर सर द सेड पर्सन या प्रोपर्टर या करता है, या मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ या फिर एनी ऑफ दी टू पार्टनर्स या होल टाइम डायरेक्टर या मेंबर ऑफ द मैनेजिंग कमेटी ऑफ द एसोसिएशन या बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के मेंबर ने सर क्या किया भाई हैव पेड मोर देन रुपीज वन लेके इनकम टैक्स इन लास्ट टू फाइनेंशियल ईयर जिसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का टाइम निकल चुका है बेटा तो सर ऐसे केस में लगता है जेनविन डमी कंपनी नहीं, नहीं बेटा सेकंड या फिर उसको रिफंड मिल चुका है एक्सीडिंग रुपीज वन लेक मोर देन वन लेक सर ऑफ दी अनयूटिलाइज बैलेंस ऑफ आई टी इन केस ऑफ जीरोड सप्लाई ऑफ गुड्स क्लियर या फिर उसको मोर देन रुपीज वन ले का इनपुट टैक्स का रिफंड मिल चुका है अंडर जीएसटी इन केस ऑफ ड्यूटी स्ट्रक्चर या फिर सर उसने ऑलरेडी जैसे मान लो अभी अगस्त मंथ चल रहा है क्लियर तो सर अप्रैल मई जून जुलाई इन महीने का क्यूमिलिटिव लाइबिलिटी देख लो और इन महीने का क्यूमिलिटी उसने जो टैक्स पे किया थ्रू कैश वो ऑलरेडी मोर देन वन लेख वन परसेंट है तो ऐसे केस में ठीक है ना सा तगली वाली बात नहीं है सर ये रूल अप्लाई नहीं होगा और ये फॉलोइंग लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पीएसयू लोकल अथॉरिटी और स्टेट बॉडी ये वैसे ही डबी बिलिंग वाला काम नहीं करते बच्चों क्लियर बोगस बिलिंग वाला काम नहीं करेंगे इसलिए रजिस्ट्रेशन पर अप्लाई नहीं होगी फर्दर कमीशन चाहे तो किसी अदर, किस, किसी पर्सन को जो इसमें कवर हो रहा है उसको भी अलाउ कर सकता है कि ठीक है यार सच सेफ रखने के बाद सच कंडीशन लगाने के बाद इसको अलाउ कर दो पूरा पूरा पेमेंट चाहे तो ये क्रेडिट लेजर के थ्रू करे वो अलाउ कर सकते हैं बेटा क्लियर इसी साथ ही रूल नंबर एटी सिक्स बी भी खत्म होता है अब आइए सर बड़ा ही शानदार टॉपिक सेक्शन सेवनटीन सब सेक्शन फाइव बोलता है

एक्सेप्ट इन फॉलोइंग थ्री केसेस अगर आप कर रहे हो तो क्रेडिट मिलेगा मिलेगा फर्स्ट क्या है? फर्दर सप्लाई सच मोटरसाइकिल अगर आप करते हो, जैसे मोटरसाइकिल का आपका शोरूम है मोटरसाइकिल की सर्विस आप देते हो बाइक चलाना सिखा रहे हो, हो तो क्रेडिट मिल जाएगा कभी भी क्रेडिट नहीं मिलेगा क्लियर डन अच्छा इसमें एक्टिव कवर होती है बाइक भी कवर होता है एंड ऑल मोटरवाइकल्स कवर होते हैं सर मोर देन थर्टी फाइव सीसी अगर इंजन कैपेसिटी है सर तो वो सारे वाइकल इसमें कवर होते हैं अच्छा एक बात ध्यान थर्टी फाइव नहीं ट्वेंटी डिफाइन किया सर एक्ट के अंदर डिफाइन किया हुआ है मोटर वाइकल और मोटरवाइकल का मतलब होता है कोई भी मोटरवाइकल जिसके अंदर इंजन कैपेसिटी नोट एक्सीडिंग ट्वेंटी फाइव सीसी है तो सर वो मोटरसाइकिल नहीं होगा बाकी ट्वेंटी फाइव सीसी से एक्सीडिंग कैपेसिटी है तो वो सब मोटरसाइकिल के स्कोप में आता है इसलिए टू व्हीलर्स बाइक एक्टिव अभी कवर होता है मोटरसाइकिल के किस में। और हाँ क्रेडिट नहीं मिलेगा एक्सेप्ट इफ यू आर एंगेज इन मेकिंग फॉलोइंग थ्री टेक्सबल सप्लाइज क्लियर ध्यान रखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सर अप टू थर्टीन परसेंट इक्लूडिंग ड्राइवर बच्चों तो क्रेडिट नहीं मिलेगा मोर देन थर्टीन पैसेंजर वाला वाइकिल का क्रेडिट मिलता है कोई तकलीफ वाली बात नहीं है अगर वो बिजनेस के लिए काम आ रहा है तो क्लियर सेकंड बात अगर मोटरसाइकिल डिजाइन ट्रांसपोर्ट गुड से जैसे ट्रक परचेज किया लोडिंग ऑटो परचेस क्रेडिट मिलेगा कोई तकलीफ वाली बात नहीं है क्लियर डन सरकार फिर बताती है क्या सर मोटर वेकल्स के बाद में वैसल और एयरक्राफ्ट क्लोज मोट अवेलेबलता है क्या सर वैसल या एयरक्राफ्ट वैसलगर आपने किया भले इन दी कोर्स और भले आपके बिजनेस के लिए किया वी डोट कैर क्रेडिट नहीं मिलेगा एक्सेप्ट इफ इज यूज फॉर मेकिंग फॉलोइंग टेक्सवाइल सप्लाई क्या क्या बेटा सर वही फर्दर सप्लाई सर वेसल या एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस दे रहे हो इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग ट सच वैसलिया इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग ऑन फ्लाइंग सच एयर या फिर वो वैसलिया एयरक्राफ्ट आपने परेशन ऑफ दी गुड्स भले ही खुद ही इनपुट या आउटपुट गुड्स को आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए वैसलिया क्रेडिट विल बी अलाउड कोई तकली वाली बात नहीं है क्लियर अब सेम वे सर जिन मोटर वाइकिल वैसलिया एयरक्राफ्ट का क्रेडिट आपको मिलता है उन मोटरवाइकल वैसलिया एयरक्राफ्ट का आपने सर्विसिंग कराया रिपेयर मेंटेनेंस कराया जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज ली या उन मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट को आपने रेंट पे लिया हायरिंग पे लिया लीजिंग पे लिया तो आईटीसी विल बी अलाउड कोई तकलीफ वाली बात नहीं पर जिन लोगों को वेसल एयरक्राफ्ट या व्हीकल का क्रेडिट नहीं मिलता है उन लोगों ने अगर मोटर व्हीकल वेसल या एयरक्राफ्ट लीज पे लिया है रेंट पे लिया हायरिंग पे लिया तो क्रेडिट नहीं मिलेगा मोटर uh, व्हीकल का वेसल एयरक्राफ्ट का आपने इंश्योरेंस कराया सर्विसिंग रिपेयर मेंटेनेंस कराया कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा हाँ सर दो एक्सेप्शन दे रखे हैं जहां पर मोटर व्हीकल सर आप अगर मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटर व्हीकल हो या आप एक इंश्योरेंस कंपनी और आपने किसी मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट का इंश्योरेंस या री इंश्योरेंस क्या हुआ उन मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट के रेस्पेक्ट में आपने सर सर्विसिंग रिपेयर मेंटेनेंस सर्विसेज लिए या इंश्योरेंस या री इंश्योरेंस सर्विस लिए तो आईटीसी इन दोनों लोगों को मिल जाता है अदरवाइज किसी को भी क्रेडिट नहीं मिलता है उन्हीं को क्रेडिट मिलता है जिनके लिए मोटर व्हीकल इज एलिजिबल एलिजिबल फॉर आईटीसी बच्चा आइए मालिक अब हम पढ़ते हैं क्या सर सेक्शन सेक्शन नंबर नंबर सब क्लॉज बी आई होप हेल्प कर रहे बेटा प्लीज सर गो थ्रू दीज रिविजन लेक्चर्स और सर साथ में अपनी रिबूट बुक जो है वो साथ में रखिए सो देट आप सर जो भी टॉपिक आपको लगता है कि आपको रिकॉल नहीं हो रहा है उस इस लेक्चर को पॉज किया और वहां से आपने बुक से एक बार देख लिया तो आपका काम माहौल के साथ बना

सेम कैटेगरी ऑफ इनवर्ट सप्लाई टू प्रोवाइड द सेम कैटेगरी ऑफ आउटपुट सप्लाई और एज अ कंपोनेंट ऑफ मिक्स सप्लाई और कंपोज़ सप्लाई तो ऐसे इसमें क्रेडिड मिला क्रेडिट नहीं मिलेगा जैसे फूड एंड बेवरेज परचेज किया क्यों क्योंकि आप फूड एंड बेवरेज ही सप्लाई कर रहे हो क्लियर तो क्रेडिट मिल जाएगा लाइफ इंसुरेंस सर्विस दे रहे हो आप बेटा क्लियर और लाइफ इश्योरेंस आपने सर्विस देने के लिए री इंश्योरेंस की सर्विस नहीं मिलता बेटा क्लियर डन देन मेंबरशिप ऑफ क्लब हेल्थ और फिटनेस सेंटर क्रेडिट नहीं मिलेगा आपने अपने एम्प्लॉज का फिटनेस सेंटर मेंबरशिप लिया क्रेडिट नहीं मिलेगा देन ट्रेवल बेनिफिट two employees, extended to employees on vacation, such as

एक्ट में लिख दिया आपको अपने एम्प्लॉज का लाइफ इंश्योरेंस कराना पड़ेगा इसलिए इंश्योरेंस कराया तो क्रेडिट मिल जाएगा वरना क्रेडिट नहीं मिलेगा पर क्वेश्चन आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि किसी लोन ने ऑब्लिक किया कि नहीं किया अगर लोन ने ऑब्लिकेटरी नहीं किया तो ऐसे केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा अदरवाइज आई मिल जाएगा बच्चों सर यह था सेक्शन नंबर सेवनटी सब सेक्शन फाइव क्लोज नंबर बी आइए क्लोज नंबर सी और क्लोज नंबर डी साथ में बात कर लेते हैं हम सर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन ऑफ इमुबल प्रॉपर्टी में जो भी गुड्स जो भी सर्विसेज काम आ रहा है उसका एक रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा आई रिपीट कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवल प्रॉपर्टी में जो भी गुड्स जो भी सर्विसेज काम आ रहा है उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा एक्सेप्ट ज इन प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्शन सर्विस और वक्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस मतलब कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइड कर रहे कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइड हो किसी और के लिए बिल्डिंग बना रहे हो सर तो ऐसे केस में आपने वक्स लिया है परेस किया है सर्विस अगर आपने लिए कोई भी गुड्स अगर आपने परचे किया है कोई क्रेड नहीं मिलेगा भली वो बिल्डिंग जो बन रही है आपकी फैक्ट्री बिल्डिंग बन रही है सेकेंड सर इसका एक्सेप्शन है क्या प्लांटोर मशीनरी अगर आपने प्लांटोर मशीनरी के इंस्टॉलेन इलेक्शन कमिशन के लिए सर आपने वक्स कॉन्ट्रेक्ट सर्विस लिए कंस्ट्रक्ट्री सर्विसिस लिए रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह की सर्विसेज लिए या आपने सर कोई गुड सीमेंट वगैरह परचेज किया तो ऐसे केस में प्लांट और मशीन के केस में क्रेडिट विल बी अलाउड अदरवाइज क्रेडिट विल नॉट बी अलाउड अच्छा प्लांट और मशीन की डेफिनेशन में लिखा हुआ है क्या सर प्लांट और मशीनरी इंक्लूड प्लांट और मशीनरी इंक्लूड सर फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट बट इट एक्सक्लूड्स

रिकंस्ट्रक्शन रहे हो मॉडलिंग कर रहे हो ऑल्ट्रेशन हो ये सब कंस्ट्रक्शन के स्कोप में आता मतलब आपने रिपेयरिंग के लिए रिमॉडलिंग के लिए ऑल्ट्रेशन ऑफ द बिल्डिंग के लिए अगर कोई सीमेंट परचेस किया कंस्ट्रक्शन सर्विसेज सर्विसेस करी वक्स सर्विस परचेस किया तो भी क्रेडिट नहीं मिलेगा एक्सेप्ट अगर आपने रिपेयरिंग जो बिल्डिंग कराया है वो अगर रेवेन्यू नेचर है मतलब अगर रिपेयरिंग का खर्चा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो रहा है तो सर उसमें सीमेंट स्टील या कंस्ट्रक्शन सर्विस काम है, विल बी अलाउड अदरवाइज अगर आपने बिल्डिंग अकाउंट में कैपिटलाइज किया उस रेवेन्य, उस रेवेन्यू रिपेयरिंग एक्सपेंस को तो ऐसे केस में वहां पर जो भी सीमेंट काम आ रहा है जो भी कंस्ट्रक्शन सर्विस काम आ रही का है उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा क्लियर माहौल सरकार ये सारे विद एग्जांपल मैंने आपको समझा कर सर्विस परचेज किया वो ऐसे किसी सप्लायर से किया जिसने खुद कंपोजिशन स्कीम ले रखी नो क्रेडिट विल बी अलाउड नेक्स्ट नॉन रेसिड एक्सपल पर्सन एनआरटीपी ने जो भी गुड्स परचेस किया जो भी सर्विस परचेस किया कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा उसको एक्सेप्ट जो गुड्स उसने इंपोर्ट किए और इंपोर्ट पर उसने कस्टम के साथ में आईजीएसटी पे किया होगा उस आईजीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा वरना एनआरटीपी को एक भी रुपए का क्रेडिट नहीं मिलने वाला देन कोई भी गुड्स और सर्विस और बहुत आपने पर्सनल कंजम्पशन के किया इज नो पॉइंट ऑफ एनी क्रेडिट एट ऑल देन गुड्स लॉस्ट डेस्ट्रोय स्टोलन रिटर्न ऑफ और डिस्पोज ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल्स तो एक रुपए का भी आईटीसी आपको नहीं मिलने वाला है गुड्स डेट आर लॉस्ट

सर सेल्स प्रमोशन स्कीम्स के बारे में जैसे वैल्यूएशन में बात करी थी उसका आईटी से रिलेटेड पॉइंट यहाँ दे रखा है बेटा अगर आपने फ्री सिंपल या फ्री गिफ्ट दिए सर सबसे पहली बात फ्री सिंपल या फ्री गिफ्ट अगर आप दे रहे हो तो उस पे, तो पर सिंस इट इज सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन तो सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई के स्कोप में नहीं आता जीएसटी नहीं लगता एक्सेप्ट अगर शेड्यूल वन में कवर होगा

आप दो शर्ट परचेस करेंगे तो एक शर्ट फ्री मिलेगा तो फ्री नहीं है कुछ भी यहाँ पे एक तरह से तीन शर्ट दो शर्ट की प्राइस में बेच रहे हो आप बेटा तीन शर्ट को आपने बेचा है और प्राइस दो शर्ट का लिया पर फॉर अ कंसेड्रेशन बेचाना इसलिए इट इज नॉट फ्री एट ऑल और वो तीन शर्ट जब आपने बेचे होंगे तो सर उस पर जीएसटी लगेगा क्लियर तो तीन शर्ट जब परचेस की तीनों का आपको आईटीसी मिलेगा ऐसा नहीं कि एक शर्ट का आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा देन डिस्काउंट इंक्लूडिंग बाय मोर मोर सेव ऑफर जैसा मैंने आपको बताया बेटा कि साल भर में इतना परचेज किया तो इतना डिस्काउंट साल भर में इतना परचे किया तो इतना डिस्काउंट तो ऐसे केस में ईयर एंड भी डिस्काउंट दे रहे हो तो ऐसे केस में सप्लायर विल इू क्रेडिट नोट और जीएसटी का क्रेडिट नोट इश्यू करेगा उसका लाइबिलिटी कम होगा और को रेसीपेन्ट प्रपोर्शन आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा सेकंड डिस्काउंट के, के केस में हमने ऑलरेडी बात कर करी वैल्यूशन केस में कि सर सेकंड डिस्काउंट आर नॉट नोन एट द टाइम ऑफ रिमूवल जब आप बेच रहे हो तब ये डिस्काउंट नहीं पता था एडोक बेस पर डिस्काउंट दिया तो ऐसे केस में जीएसटी वाला क्रेडिट नोट नहीं होता है फाइनेंशियल क्रेडिड होगा क्रेडिट इशू होगा तो सप्लायर का जीएसटी लायबिलिटी कम नहीं होगा तो को रिवर्स करने की बात भी नहीं आती केवल वैल्यू में से कम हो रहा बच्चा ये क्लियर डन सरकार के बारे में रिलेटेड सर्कुलर अब अपोर्शन ऑफ क्रेडिट सेक्शन नंबर सेवेंटीन केवल लिमिटेड कोर्स में आता है बच्चा रूल नंबर थ्री में नहीं आता है मैं तुम्हें समझाता हूँ आपके कोर्स में है उतना रिलेवेंट में बता रहा हूँ आपको ये बोला क्या अगर सप्लायर ने जो भी गुड्स और सर्विसेज बेची है वो अगर टैक्सेबल गुड्स है टैक्सेबल सर्विसेज है तो यस yes, उसके इनपुट इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स का आईटीसी उसको मिलेगा पर मेरे अगर आउटपुट सप्लाइज आर एक्जिम तो ऐसे केस में देर इज नो पॉइंट ऑफ आईटीसी एट एट मेरे को रुपए का भी आईटीसी इनपुट इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा अच्छा अगर मैं एक्जिम गुड्स या सर्विस एक्सपोर्ट करता हूं या एस को सप्लाई करता हूं मतलब जीरो रेटेड सप्लाई करता हूं क्या करता बचा जीरो रेट सप्लाई करता हूं तो भले वो सलाजाम गुड्स थे या एग्जाम सर्विस थी या टेक्सबल सर्विस थी मेरे को आईटीसी हमेशा मिलेगा कोई आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं होती बेटा पर बाकी एग्जाम सप्लाई में कभी भी मेरे को आईटीसी नहीं मिलता है क्लियर पर अगर मेरे मोर देन वन सप्लाइज है सम सम ऑफ आर समेसबल आर एग्जाम तो ऐसे केस में जो एग्जाम सप्लाइज में काम आ रहा है उसके रेस्पेक्ट में जो भी इनपुट इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स इसमें काम आया एजाम सप्लाई में उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा जो भी इनपुट इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स टेक्सबल सप्लाई में काम आया उसका क्रेडिट मिलेगा पर अगर मेरे कॉमन इनपुट कॉमन इनपुट सर्विस काम आए

फॉलो करिए रूल नंबर थर्टीट में एक सिंपल इनग्रो सिस्टम दे रखा है कि जो भी इनपुट इनपुट सर्विस कैपिटल लोग परचेस करेंगे उसका एक बार हंड्रेड परसेंट क्रेडिट लो और फिर 50% परसेंट रिवर्स कर दो सर मतलब अल्टीमेटली नेट 50% को क्रेडिट मिल गया है, है, है तो, तो सर्विस ली थी तो उसका हम हंड्रेड क्रेडिट देंगे उसमें रिवर्स नहीं कराएंगे नेक्स्ट बात अगर कोई क्रेडिट ब्लॉक में कवर है, है तो सर उसका तो क्रेडिट मिलता ही नहीं है तो फिफ्टी छोड़ो उसका बिल्कुल तो भी नहीं मिलेगा क्लियर सर तो यहाँ पे क्या करने का यहां बोल दिया क्या जो भी आपने इन्वर्ट सप्लाई लिया बैंकिंग कंपनी वगैरह को बोल दिया क्या जो भी आपने इन्वर्ट सप्लाई लिया है अगर ये नंबर थर्टी ऑप्शन ले रहे हो तो सबसे पहले जितना भी आपने क्रेडिट लिया उसमें से अगर कोई सर्विस ऐसी थी जो आपके डिस्टिंग रिसीव हुई थी उसका क्रेडिट साइड में रखो और बाद में उसका मेंंड्रेड परसेंट क्रेड लेना सर कोई क्रेडिट सेवेंटी फाइव में थी उसको पूरे को हटाओ कोई क्रेडिट कोई इनपुट इनपुट सर्विस कैपिट ऐसा था जो एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पज के लिए काम का हटाओ भाई उसका तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा जो बचा हुआ है ंड्रेड परसेंट क्रेडिट एक बार लीजिए उसमें से 50% परसेंट आपस रिवर्स कर दो और जो डिस्टिट डिस्टिंग, डिस्टिंग पर्सन से सर्विस आपने ली थी हंड्रेड परसेंट क्रेडिट आप ले लीजिए ये पूरा सिस्टम खत्म हो गया रूल नंबर थर्ट का बेटा क्लियर आइए सेक्शन नंबर एटीन की तरफ बात करते हैं हम सर यहां पर मान लो सर कोई एसएससी था सर यहां पे पूरा ध्यान मेरी तरफ दीजिए मैं आपको पूरा पूरा फिट कर दूंगा बच्चों अगर कोई एसएससी मान लो यहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए दे रखा है सर मैं आपको वो सिस्टम है जो लेक्चर के अंदर पढ़ा उससे में बताता हूँ बच्चों मैं आपको दिल थाम के देखिएगा सुनिएगा ध्यान से मान लो कोई एस है जिसके आउटपुट सप्लाई क्या है एग्जाम है उसके आउटपुट सप्लाई क्या है बच्चा एग्जाम है यहाँ पे यस ठीक है सर मैं ये रहा हेडिंग ओके सर अगर मान लो यहां पे टॉपिक टॉपिक ऊपर नीचे चलेगा सर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, है, है सर। अगर मान लो कोई है, जिसके आउटपुट सप्लाई क्या है? है, कोई जरूरत नहीं है तो इनपुट इनपुट सर्विस नहीं मिलेगा इनपुट स्टॉक तो में जितना भी कैपिटल गुड स्टॉक में, है, में है, उनका प्रोपोर्शन मिलेगा परचेस कर चुका उसका अब कुछ ना हो पाएगा पर इनपुट और कैपिटल गुड्स जो उसके पास स्टॉक में है उसका आईटीसी मिलेगा पर सर वो लास्ट वन ईयर में अगर परचेज किए होंगे तो ही क्रेडिट मिलेगा उससे पहले जो परचेज

वहां से फाइव परसेंट पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द्वार्टर आप अमाउंट लेस करेंगे रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगा उसका ही आप आईटीसी लेंगे क्लियर अब आपकी गुड्स क्या बेटा टैक्सेबल है अगर आपके आउटपुट सप्लाइस गुड्स हो सर्विसेज हो वो टैक्सेबल है जो भी नया परचेस करोगे सबका क्रेडिट मिलेगा पर मान लो आपके गुड्स और सर्विस टैक्सेबल थे अब क्या हो गए एक्ज हो गए तो ऐसे केस में जितना भी इनपुट स्टॉक में है भले रोमोट कंडीशन में हो कंडीशन में हो या फिनिश गुड्स कंडीशन में हो उन सबका परचेस भी जो आपने लिया था वो क्रेडिट क्या करना पड़ेगा रिवर्स प्लस सर जितना भी कैपिटल गुड्स आपके स्टॉक में है उन सब कैपिटल गुड्स के परचेस पे जो जीएसटी पे किया था वो जो आपने आईटीसी लिया था उस आईटीसी के अमाउंट को डिवाइड बाय मंथ करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ दी कैपिटल गुड्स इन कंप्लीट इन कंप्लीट मंथ आउट ऑफ सिक्सटी मंथ मतलब मान लो सर आपने मशीन परचेस करी थी मशीन को परचेस किए ऑलरेडी सर थर्टी टू मंथ और चार दिन हो गए बेटा क्लियर आपने आईटीसी लिया था बेटा तो ऐसे के अब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी बची बेटा अच्छा उसके आपने मान लो छह लाख रुपए जीएसटी पे करके उसका क्रेडिट लिया था तो लाख डिवाइड बाय मंथ इनटू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ लाइफ अब रिमेनिंग यूजफुल कितनी बची बेटा थर्टी मंथ चार दिन आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो तो ये मान लो थर्टी मंथ आप यूज कर चुके हो बचा कितना ट्वेंटी मंथ तो सर सिक्स लेक डिवाइड बाय सी इंटू ट्वेंटी सेवन जो अमाउंट आएगा इतना आपको सर क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा आउटपुट टैक्स लाइव में ऐड करना पड़ेगा अगर आपकी गुड्स अब क्या हो गए अगर आपके आउटवर्ड गुड्स या सर्विसेज क्या होगी एग्जाम हो गई तो बच्चों क्लियर और ये आईटीसी रिवर्स करने के बाद भी

नहीं है अभी आप रेगुलर स्कीम में हो नॉर्मल टैक्स पे कर रहे हो जो भी इनपुट इनपुट कैपिटल करोगे सबका क्रेडिट मिलेगा अब जैसे ही आप रेगुलर स्कीम स्कीम से कंपोजिशन में आ रहे हो सर मान लो फाइनेंशियल चेंज हो रहा है एक अप्रैल को आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रहे हो तो ऐसे केस में जितना भी इनपुट स्टॉक में है, सर इनपुट रॉ मटेरियल कंडीशन में हो डब्ल्यू पी कंडीशन में हो या फिश गुड्स कंडीशन में हो सबका क्रेडिट रिवर्स कैपिटल गुड्स जो भी स्टॉक में है उन उनपे जो जीएसटी का आई टी लिया था सर वो वीटीसी को डिवाइड बाई सी मंथ करेंगे मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इन कंप्लीट मंथ जो बचा होगा उतना प्रपोशन आटीसी रिवर्स करेंगे और उसके बाद भी अगर कोई आई टीसी बैलेंस बच जाए तो इट विल लैप्स भारत माता की जय जो प्रोविजन ने पढ़ा एक्म टेक्सवल एक्ट्र होते वक्त वही कंपोजिशन टू रेगुलर स्कीम रेगुलर टू कंपोजिशन स्कीम वाला हमने पढ़ लिया रिवाइज कर लिया आइए एक और बात अगर मान लो सी लास्ट बात अगर जीएसटी में एसएससी रजिस्टर्ड नहीं है तो जो भी इनपुट इनपुट कैपिटल गुड्स किया कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा पर मान लो एसएससी ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया अगर एसएससी ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया तो ऐसे केस में जितना भी इनपुट स्टॉक में था

आप लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन 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 आपको सर्टिफिकेट मिला वही आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है जैसे मान लो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला कब दस मार्च को तो नौ मार्च को जो क्लोजिंग स्टॉक होगा इनपुट का उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा जो लास्ट एक साल में आपने परचेज किया उनका बेटा पर

वो सारा आपको मिलने वाला है जो लास्ट एक साल में आपने परचेज किया बेटा पर अगर आपने तीस दिन के बाद अप्रैल को, को आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला तो फोर्टीन फोर्टीन ऑफ अप्रैल ही आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है तो ऐसे केस में 13 अप्रैल को जो क्लोजिंग स्टॉक होगा इनपुट का उसी का आपको आईटीसी मिलने वाला है सर भले या पे लायबिलिटी जाएगी यू बिकम टैक्स पेयर पर्सन विद इफेक्ट फ्रॉम 14 फेब तो 14 फेब से लेकर 13 अप्रैल तक जो गुड्स आप सप्लाई कर चुके हो उस पे टैक्स तो पे करना पड़ेगा सर अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा उसके लिए आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस भी नहीं कर पाएंगे कस्टमर से टैक्स नहीं ले पाएंगे क्लियर और वो जो स्टॉक आप बेच चुके हो सिंस 13 अप्रैल को क्लोजिंग स्टॉक में वो इनपुट आपके पास नहीं है इसलिए उनके परचेजी पे किया उसका आईटीसी भी नहीं मिलेगा ये भारी वाला काम आपके साथ होने वाला है क्लियर डन और फोर्टीन अप्रैल से आप नॉर्मल स्कीम में आगे रजिस्टर्ड हो बेटा तो तेरह अप्रैल को जो क्लोजिंग स्टॉक था इनपुट का उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा बच्चों क्लियर डन सर ये आपका रजिस्ट्रेशन के केस में क्या होता है आईटीसी का वो भी बात हमने कर ली आपसे क्लियर रिवर्सल आईटीसी टीसी कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वाली बात भी कर ली मैंने आपसे बेटा क्लियर अब सर एक बता क्या अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स बेचा है सेक्शन नंबर एटी सब सेक्शन नंबर सिक्स सर अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स बेचा है सर उस कैपिटल गुड्स या प्लांट और मशीन के परचेज करने पे आपने जीएसटी पे किया उस जीएसटी का आपने अगर आईटीसी लिया और थोड़ा टाइम तो उस मशीन को आप बेच रहे हो तो ऐसे केस में उस मशीन पे जो जीएसटी पे किया था जीएसटी का क्रेडिट जो आपने लिया था उसका क्या होगा बोल दिया क्या सर जितना भी आपने आईटीसी लिया था माइनस करेंगे क्या

टैक्स पेबल ट्रांजेक्शन इतना आपको लाइब्री में इतना आपकी लाइब्री आएगी उस मशीन के बेचने पर क्लियर पर भले वर्किंग कंडीशन बेची हो नॉन वर्किंग कंडीशन बेची हो एज अ स्क्रैप बेचा हो यूज करने के बाद बेचा या विदाउट यूज बेचा वी डोंट केयर सेम प्रोविजन लगेंगे पर अगर आपने मोल्ड्स डाइज मोल्डर ब्रिक्स आपने यूज करके एज अ स्क्रैप अगर बेचा है तो यहां पर जो इस स्क्रेप के ट्रांजेक्शन जो, जो जीएसटी बनता है क्लियर उतना ही टैक्स पे करना वहां फाइव परसेंट पर क्वार्टर कंपेयर करने की जरूरत नहीं है क्लियर डन ये आपका सेक्शन नंबर सिक्स खत्म होता है अब आइए सरकार अगर आपने अपने बिजनेस को ट्रांसफर किया है सर सेक्शन एटीन सर मान लो कभी अमल गमेशन मर्जर हुआ टेक ओवर हुआ या चेंज ऑफ ऑनरशिप हो गया मैं, मैंने अपना बिजनेस आपको ट्रांसफर कर दिया तो सर पॉइंट क्या है मेरे पास अगर आईटीसी है तो वो भी तो आपका हो जाएगा बच्चों नॉर्मल वे में मैं अपना आईटीसी किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकता पर अमल गमेशन मर्जर टेक ओवर हो गया चेंज ऑफ ऑनरशिप हो गया चेंज इन दी कॉन्स्टिट्यूशन हो गया पार्टनरशिप थी अब क्या बन गई कंपनी बन गई कुल मिलाकर पेन नंबर चेंज हो गया पेन नंबर चेंज हो गया तो जीएसटी नंबर भी चेंज हो जाएगा तो ऐसे केस में जब मैं अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रहा था उस टाइम पे मेरे अगर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आईटीसी आईटीसी का का बैलेंस बैलेंस पड़ा है तो का भी ट्रांसफर हो जाएगा पर ध्यान देना बेटा सर यहां पे फॉर्म नंबर जीएसटी आई टी फॉर्म नंबर जीएसटी आई टीसी फिल करना पड़ेगा ट्रांसफर को वो इधर से आई ट्रांसफर करेगा साथ में एक सर्टिफिकेट भी अटैच करेगा फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस प्रेक्टिस कि यहां पर सर जो आईटीसी ट्रांसफर कर रखी है आई टी ट्रांसफर नहीं हो रहा है यहाँ पे प्रॉपर बिजनेस ट्रांसफर हुआ और सारी लाइव भी ट्रांसफर हुई सारे एसेट्स भी ट्रांसफर हुए बच्चा क्लियर तो वो सर्टिफिकेट भी अटैच करना पड़ेगा और यहां पर यहां से वो फॉर्म नंबर जीएसटी आटीसी जीरो टू फिल करके आई ट्रांसफर करेगा ट्रांसफर का जीएसटी नंबर लिखेगा और ट्रांसफी अपने जीएसटी पोर्टल में जाके लॉग इन करेगा और वहां पे वो एक्सेप्ट करेगा क्रेडिट को वो क्रेडिट उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ जाएगी अब एक लास्ट बात बचती है बेटा क्या सर अगर कभी भी अगर कभी भी डी मर्जर होता है होता है ना सर ब्रेकअप

दोनों को बच्चों हाँ और एसेट का मतलब वो सारे असेट जो बिजनेस केसेट है भले उनके परचेस में आई आईटीसी लिया था या नहीं लिया था उससे कंसर्न नहीं है सारे ऑफ एसेट को कंसिडर करके फिर रेशो आपको निकालना बेटा माहौल सरकार एक लास्ट बात रूल नंबर है क्या अगर मान लो मेरा राजस्थान में रजिस्ट्रेशन है जीएसटी में और सर

ऐसे केस में सर ट्रांसफर कैसे होगा इस फॉर्म के थ्रू होगा किस रेशियो में होगा बेटा सर वैल्यू ऑफ असेट सारे वैल्यू ऑफ असेट लेना है भले उन असेट के परचेस पे आईटी आईटीसी लिया था या नहीं लिया था सर जितना वैल्यू ऑफ असेट इस यूनिट का है और उस यूनिट का उतना प्रोपोर्शन कर देना कि इतना तो क्रेडिट इसके पास रहना चाहिए और उतना क्रेडिट यूनिट टू पे जाना चाहिए तो उतना क्रेडिट हम पास ऑन कर देंगे

क्लियर अब आईजीएसटी की लाइब्रेड पे करने के लिए आपने आईजीएसटी का जी सबसे पहले यूज करना है उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी और यूटीजीएसटी इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रोपोर्शन बेटा क्लियर सर तो सर पहली बात तो आईजीएसटी का आईटीसी वापस बोलता बेटा मैं आईजीएसटी का आईटीसी किस ऑर्डर में आपको यूज करना आई आगे दिस्टिक आगे दिस्टिक है आईजीएसटी तो आईटीसी हैज टू बी यूज्ड फर्स्टली फॉर पेमेंट ऑफ ऑफ आईजीएसटी और उसके बाद सीजीएसटी हो यूजीएसटी हो एस जी एस टी इन इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रोपोर्शन उस लाइब्रेड को पे करने के लिए आप आई टीसी यूज कर सकते हो बेटा फिर सी जी एस टी आई टी कैन बी यूज टू पे पहले सी जी 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 की लाइब्रेड उसके बाद आई 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 की लाइब्रेड बेटा एस जीएसएस में काम नहीं आएगा सेम वे एस जीएसटी और ड्यूटी यूटीज की लाइब्री को पे करने के लिए आई टीसी पहले एस जीएसटी और ड्यूटी यूटीजीएसटी की लाइब्रेड को पे करने में काम आएगा उसके बाद आई जीएसटी के लिए काम आएगा एंड सर ध्यान देना बेटा सी जीएसटी आटीसी कभी भी एस में काम नहीं आता है एंड वाई बच्चों पर सर एक बात और सर आई जीएसटी की लाइब्रेड को पे करने के लिए ये तो मैंने बताया ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी अब लायबिलिटी लाइब्रिटी पे करने के लिए आईजीएसटी की लाइब्रिटी को पे करने के लिए पहले आईजीएसटी का आईटीसी काम आएगा फिर सीजीएसटी का आईटीसी काम आएगा और उसके बाद एसजीएसटी या यूटीजीएसटी का आईटीसी काम आएगा बेटा

सी जी एस टी आई कभी भी एस के लिए काम नहीं आएगा भारत माता की जय यहाँ पे समृद्ध रखी बेटा है हाँ ना भाई इसी के साथ सर आई टीसी यूटिलाइज कैसे करना है बात खत्म होती है अब एक बार और देखना देख लीजिए बेटा जी आई जीएसटी के आई सबसे सब पहले किस में काम आएगा आई जीएसटी की लाइवी को पे करने में काम आएगा फिर एस जीएसटी और यूटी जीएसट और सी जी एस टी एनी ऑर्डर इन एनी एन, एन एन प्रोपोर्शन देना न्यूमरिकल क्वेश्चन जो बनते हैं उसके लिए फेवरेट पॉइंट यही है बेटा एग्जाम्स के अंदर कि आई जी एटी का आई पहले काम आएगा आई जेस टी की के लिए उसके बाद सी जी एस टी एस जीटी और डी टी एस टी इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रोफेशन आपको आई का आईसी को सी और एस में इस तरह से यूज करना है सो so दैट आपका कैश आउटफ्लो जो है वो मिनिमम रहे आप देख लेना यूज करते वक्त कि सी का लाइब्रेडी कितना है सी का आईटीसी कितना है एस जीएसएसटी का लाइब्रेडी कितना है एस जीस टी का आई कितना है क्लियर उसको मद्देनजर रखते हुए आप आईजीएसटी के आईटीसी को यूज करिएगा कि सी के लिए पहले यूज करूं कि एस के लिए यूज करू पहले क्योंकि पहले आईजीएसटी के आईटीसी को आईजीएसटी एस लायबिलिटी के लिए, लिए यूज कर लिया उसके बाद जो बैलेंस बचा है उसको सी और एस में इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रोपोर्शन यूज कर सकते हैं तो सर आप ध्यान रखिएगा कितना सी का लायबिलिटी कितना सी का आईटीसी है कितना एस का लायबिलिटी कितना एस का आईटीसी उसके बाद आप आईजीएसटी उसको ध्यान में रखते हुए आईजीएसटी के आईटीसी को यूज करना सी और एस में क्लियर सो दैट मिनिमम कैश आउटफ्लो हो बेटा अब आई का आई पूरा कंज्यूम हो जाए उसके बाद की इसी को देखेगा उसके बाद सी जीएसटी आईटीसी पहले सी जीएसटी की लाइब्रेड में काम आएगा फिर आई जीएसटी की लाइब्रेड को पे करने में काम आएगा पर सर एस जीएसटी और यूडी एस एस टी में सी एस टी का नहीं आता सेम वे एस जीएसटी आईडीसी पहले एस की लाइब्रेड को पे करने में काम आएगा फिर आई की लाइब्रेड को काम आएगा पर सी में कभी भी काम नहीं आता सेम वे यूटीजीएस टी पहले यूडी जीएसटी की को पे करने में काम आएगा फिर आईजीएसटी के लिए काम आएगा पर सी जीएसटी लिए कभी भी काम नहीं आएगा क्लियर अच्छा इसी के साथ भारत माता की जय देखिए सर यह पे क्या लिखा हुआ है कर हर मैदान फतेह मैं आपसे बात ऑलरेडी कर चुका हूं आपकी फतेह होगी पर आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी अपना टाइम आ गया है सर ये सर इस टाइम पर पूरी मेहनत अगर आप करोगे तो ही आपकी फतेह होगी बोलते ना अपना टाइम आएगा टाइम आ चुका पहले मेहनत करो फिर सक्सेस मिलेगी बिना मेहनत कुछ ना हो पाता सरकार ऑल द बेस्ट लव यू लॉट आई होप ये लेक्चर्स आपको काम आ रहे हैं माहौल बन रहा है सरकार कमेंट बॉक्स में मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी ये लेक्चर आपको कैसा लगे एंसर प्लीज डू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स हु आर डूइंग सी ए सी एस सी ए माहौल के साथ मस्त होके पढ़े खुश रहे एंसर लव यू लॉट एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू विल गैस माहौल बाय